सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। इस बुलेटिन विच आपां गल करांगे अज दीआं कुछ खास ते वड्डीआं खबरां बारे। सो जी, शुरू करदे आं सब तों पहली वड्डी खबर दे नाल। भारत चीन विचाले हुई तीजे दौर की चर्चा, 12 घंटे चली गलबात। भारत ते चीन विचाले लैफ्टिनेंट पद्धर की गलबात 12 घंटे तक चली। मंगलवार सवेर 11 बजे शुरू हुई बैठक रात 11 बजे खत्म हुई। यह वार्ता पूर्वी लद्दाख च LAC दे कोल चुशुल सैक्टर च भारतीय जमीन ते हुई। अगली खबर दोस्तों, GNDU वालों प्रीख्यावां 15 जुलाई तक मुलतवी। कोरोना लागदा कहर दुनिया भर च दिन ब दिन वाधा जा रहा है। इस दे मद्देनजर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों वैबसाइट उपर पहला अपलोड की डेटशीट अनुसार 1 जुलाई 2020 तो आरंभ होने वाली आखिरी समेस्टर दियां सारियां सालाना सिस्टम अते समेस्टर सिस्टम दियां थ्योरी अते प्रयोगी प्रीख्यावां 15 जुलाई 2020 तक मुलतवी कर दित्तियां गईयां हन। यह जानकारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने दिती। एक सरकारी बुलारे ने दसिया कि स्कूल कॉलेज विद्यक अते कोचिंग संस्थावां 31 जुलाई 2020 तक बंद रहणगियां। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की आग्या नूं होर उत्साहित किया जाएगा। केंद्र अते राज सरकार दे सिखलाई अदारियां नूं 15 जुलाई तो काम करन की आग्या दिती जाएगी, जिस लई भारत सरकार दे अमले अते सिखलाई विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियावां जारी कीतियां जाणगियां। अगली खबर दोस्तों, चीफ खालसा दीवान ने पास किया 147.50 करोड़ का बजट। चीफ खालसा दीवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए इजलास करके साल 2020 तो 21 लई 147 करोड़ 50 लख 43 हजार का बजट पास किया है। गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब विखे चीफ खालसा दीवान चैरिटेबल सोसाइटी अधीन आंदे स्कूलों कॉलेजों ते समूह अदारियां दा साल 2020 तो 21 दा बजट पास करन अते दीवान दे नवे मैंबर बनाउण समेत होर एजेंडे विचारन अते प्रवान करवाउण संबंधी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस राही पहला कार्ज साधक कमेटी अते उपरंत जनरल बॉडी दा इजलास करवाया गया। इस दी प्रधानगी चीफ खालसा दीवान दे मीत प्रधान डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कीती। अगली खबर दोस्तों, अमरीका ने COVID-19 के 4 टीकों नूं क्लीनिकल ट्रायल की दी मंजूरी। अमरीका ने कोरोना वायरस टीका विकसित करने लई शामिल 4 टीमों नूं टीकों के 4 क्लीनिकल ट्रायल नूं प्रवानगी दिती है। अमरीकी खुराक अते ड्रग प्रशासन विभाग के मुखी स्टीफन हॉर्न ने बुधवार नूं इह जानकारी दिती। टीका बनाउण विच शामिल 4 टीमों नूं टीके दे क्लीनिकल ट्रायल लई मंजूरी दिती गई है। 6 होर टीमां भी टीके दे क्लीनिकल ट्रायल दी प्रवानगी दी उड़ीक कर रही हैं। उस दे लई काम दी समीक्षा करन तो बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अमरीका दे सेहत अते रक्षा विभाग ने ऑपरेशन वाप स्पीड नाम नाल एक सांझा अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य जनवरी 2021 तक COVID-19 लई एक प्रभावी टीके दियां 300 करोड़ खुराकां दा उत्पादन करना है। US दे महामारी विज्ञानी डॉक्टर एंथनी फौची ने मंगलवार नूं चेतावनी दित्ती कि इस गल दी कोई गारंटी नहीं है कि अमरीका जनवरी 2021 तक COVID-19 लई एक प्रभावशाली अते पूरी तरह सुरक्षित टीका विकसित करेगा। जिक्रयोग है कि अमरीका विच कोरोना कारण 1.27 लाख तो वध लोगों की मौत हो गई है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब विच कोरोना वायरस के कुल मामले हुए 5,568, मौतां 144। पूरे देश समेत पंजाब विच भी कोरोना लगातार खतरनाक हुंदा जा रहा है। बीते दिन सूबे विचों 150 नवे कोरोना के केसां की पुष्टि हुई है, जिस करके कुल मामलों की गिनती वध के 5,568 हो गई है। उत्थे ही 103 होर कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 6 कोरोना पीड़ितों ने दम तोड़िया है। पंजाब दे सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी किए अंकड़े अनुसार मंगलवार
शाम 5 बजे तक अमृतसर तो 7 लुधियाना तो 45 जलंधर तो 26 संगरूर तो 22 पटियाला तो 3 मोहाली तो 11 गुरदासपुर तो 1 पठानकोट तो 5 होशियारपुर तो 4 नवांशहर तो 1 फतेहगढ़ साहब तो 9 रोपड़ तो 1 मोगा तो 7 बठिंडा तो 2 ते कपूरथला तो 6 नवे कोरोना के मामले सामने आए हैं। उत्थे ही अमृतसर 18 जलंधर 40 पटियाला 24 मोहाली तो 4 गुरदासपुर तो 4 पठानकोट 3 मानसा तो 1 फतेहगढ़ साहब तो 9 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, जिस करके सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3867 हो गई है। उत्थे ही अमृतसर 3 पटियाला 1 लुधियाना जलंधर भी 1-1 कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। मृतकों का कुल अंकड़ा 144 तक पहुँच गया है। सूबे विच इस वेले 1557 एक्टिव केस हैं। अगली खबर दोस्तों, पीएम गरीब कल्याण योजना नाल गरीबों ते कोरोना का प्रभाव होगा घट। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि कमजोर ते गरीब लोगों ते कोरोना महामारी दे प्रभाव नूं घट करने लई ही पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कल्याण होर योजना दे विस्तार दा ऐलान किया है। इस दे तहत हर महीने गरीब परिवारां नूं प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिता जा रहा है। गौड़ा ने ट्वीट किया कि देश दे गरीबां ते कोरोना वायरस महामारी दे प्रभाव नूं घट करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर अंत तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दे विस्तार दा ऐलान किया है। लगभग 80 करोड़ लोगों नूं मुफ्त अनाज दा लाभ चुकाउण दी सहायता मिलेगी। अगली खबर दोस्तों, मंत्रिमंडल वल्लों 4245 असामियां भरन लई हरी झंडी। कोरोना वायरस दे फैलाव कारण सरकारी हस्पतालां विच मरीजों की वध रही गिणती करके स्थिति नाल होर प्रभावी ढंग राही नजिठण लई पंजाब मंत्रिमंडल ने अज सेहत विभाग विच खाली पईआं 4954 रैगूलर असामियां ते मैडिकल सिक्ख्या ते खोज विभाग विच 291 असामियां भरन लई हरी झंडी दित्ती है। यह फैसला कल शाम इत्थे मुख्यमंत्री दफ्तर विखे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ हुई वजारत की मीटिंग दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर दे एक बुलारे ने कहा कि सेहत विभाग विच 4954 असामियां विचों 2966 असामियां पहले पड़ाव विच भरियां जाणगियां, जबकि बाकी 988 असामियां अगले पड़ाव विच भरियां जाणगियां जो कि 30 सितंबर 2020 नूं खाली होणगियां। अगली खबर दोस्तों, टिड्डी दल नाल नजिठण लई हवाई फौज का MI-17 हैलीकॉप्टर तैयार, परीक्षण सफल। देश के कई हिस्सों च टिड्डियों का हमला जारी है। टिड्डी दल तो नजिठण लई सरकार हर पद्धर से काम कर रही है। इस दौरान टिड्डियों तो नजिठण लई हवाई फौज के MI-17 हैलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करने लई ट्रायल किया गया। ट्रायल दौरान हर तरह के देसी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया। ट्रायल दौरान आसमान चो कीटनाशकों का छिड़काव किया गया जो कि सफल रहा। हवाई फौज के इन्हां हैलीकॉप्टरां च छिड़काव करन लई विशेष व्यवस्था की है ता कि कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। हर हैलीकॉप्टर 800 लीटर कीटनाशक मैलाथियन नूं रखण की समर्था है, जिस नाल प्रभावित खेतर च लगभग 40 मिनट तक छिड़काव किया जा सके। एक बार च लगभग 750 हेक्टेयर के खेतर च छिड़काव किया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों, हाई कोर्ट ने स्कूलों नूं दाखला ते ट्यूशन फीस वसूलण दी दित्ती छोट। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने COVID-19 महामारी चों पनपे आर्थिक मंदवाड़े च स्कूल फीसां बारे मामले दा फैसला ऐलान दिता है। कुछ दिन पहला सुनवाई मगरों राखवें रखे इस फैसले तहत हाई कोर्ट ने मंगलवार स्कूलों नूं दाखला ते ट्यूशन फीस वसूलन दी छोट दित्ती है। नाल ही बेंच ने यह भी कहा है कि COVID-19 तालाबंदी दौरान स्कूल चलाउण ते आया जायज खर्चा भी वसूलिया जा सकता है। इस दे नाल ही स्कूलों नूं इस साल फीसा ना वधाउण दा हुक्म दिता गया। मापिआं लई इन्नी राहत जरूर दित्ती गई है कि फीस ना देण दी हालत चो अपने वित्तीय हालत संबंधी ठोस सबूतों के नाल स्कूल नूं अपील कर सकणगे ते स्कूलों नूं इस ते तरजीही गौर करनी होवेगी। जेकर फिर भी कोई हल ना निकले तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कोल
पहुंच कर करन दी खुल दिती गई है। दूजी धिर लई राहत होवेगी कि जिन्हां स्कूलां दी वित्ती हालत कमजोर है ते उन्हां कोल राखवें फंड नहीं हन, उह जिला सिक्ख्या अफसरां कोल पहुंच कर सकणगे। अगली खबर दोस्तों, अज तो अनलॉक 2 दा आगाज, जाणो की रहेगा बंद ते की रहेगा खुला। देश विच कोरोना वायरस दे मामलियां दी वधदी गिणती दौरान अज तो अनलॉक 2 दा आगाज हो गया है। भारत सरकार वल्लों इस लई दिशा निर्देश जारी कीते गए हन। इह 1 जुलाई तो लैके 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश विच तालाबंदी रही है ते उसके बाद हुण हौली हौली इस नूं अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 विच काफ़ी गतिविधियां विच छोट दिती गई सी, जिसके बाद हुण अनलॉक 2 दा आगाज होया है। अनलॉक 2 दौरान घरेलू उड़ाना ते स्पैशल ट्रेना च इजाफा हो सकता है। शॉपिंग मॉल सवेरे 7 बजे तो लैके 8 बजे तक खुलणगे। शराब दे ठेके सवेरे 8 बजे तो लैके रात 9 बजे तक खुलणगे। रेस्टोरेंट ते होटल रात 9 बजे तक खुलणगे। जरूरी वस्तुआं वालियां दुकानां रात 8 बजे तक खुल सकणगियां। हुण रात नूं 10 बजे तो सवेर 5 बजे तक नाइट करफ्यू जारी रहेगा। पहलां इह समां 9 तों 5 बजे तक दा सी। दुकानां आदि विच समाजिक दूरी दा पूरा ध्यान रखना होवेगा। 15 जुलाई तो केंद्र ते सूबा सरकारां दे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विच कामकाज भी शुरू हो सकदा है। देश विच स्कूल कॉलेज अजे बंद रहणगे। स्कूल कॉलेज ते कोचिंग सेंटर 31 जुलाई तक बंद रह सकदे हन। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार आदि नहीं खुलणगे। कौमांतरी उड़ाना ते भी पाबंदी रहेगी ते आम रेल सेवा भी बंद रहेगी। किसी भी तरह के वड्डे प्रोग्रामा ते पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन च नहीं मिलेगी कोई भी छोट। अगली खबर दोस्तों, फिर महंगा होया रसोई गैस सिलेंडर, जाणो नवीआं कीमतां। रसोई गैस दे मोर्चे ते आम आदमी नूं इक होर झटका लगा है। हर महीने की तरह इस बार भी 1 तरीक नूं रसोई गैस दीआं कीमतां बदलियां हन, पर इस बार पिछले महीनियां दी तरह कीमतां च भारी इजाफा होया है। इंडियन ऑयल दा बिना सबसिडी वाला 14.2 किलो दा सिलेंडर अज तो दिल्ली ते मुंबई दोवां थावां ते 594 रुपए च मिलेगा। दिल्ली च इस दे रेट च सिर्फ 1 रुपए दा वादा कीता गया है, जबकि मुंबई च प्रति सिलेंडर 3.5 रुपए दा इजाफा होया है। कोलकाता च यह 4 रुपए ते चेन्नई च 4 रुपए महंगा होया है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर दीआं कीमतां च कटौती कीती गई है। 19 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर दी कीमत दिल्ली च 1139.50 तो घट के 1135 रुपए ते आ गई है। मुंबई च 19 किलो वाला LPG गैस सिलेंडर दी कीमत 1197.50 रुपए तो घट के 1193 रुपए ते आ गई है। ए सन जी हुण तक दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डियां खबरां। होर खबरां जानण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल जरूर शेयर करना।